गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, कैसे हो आप सभी? लेट मी नो, आई एम ऑडियबल एंड विजिबल। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं सभी लोग? लेट मी नो, आई एम ऑडियबल एंड विजिबल। आई एम फाइन, गुड इवनिंग अमीशा। वेलकम टू अन अकेडमी, लेट्स क्रैक यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस विथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। आप लोग इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पर स्वागत है। गाइस जल्दी सभी लोग जुड़ते जाओ, टाइम हो रहा 7 PM का और ये टाइम है मेरे साथ मीन प्रवीण सिंह के साथ का टाइमिंग है, जिसमें लोग डिजास्टर मैनेजमेंट सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं। गाइज यहाँ पे जब अभी तक सभी लोग जुड़ते हैं, एक इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे छोटा सा कि मेरे बारे में, कि माई सेल्फ प्रवीण सिंह, UGC नेट क्वालिफाइड इन ज्योग्राफी, अपने पर्सनलिटी ऑफ सिविल सर्विस मोर देन 10 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है। और आपने यदि मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया अकेडमी के प्रोफाइल पर, तो ये मेरा प्रवीण सिंह 5449 ये लिंक है, आप मुझे फॉलो कर लो, से मेरी क्लासेस की अपडेट आपको मिलती रहेंगी। टेलीग्राम लिंक पर जुड़ने के लिए unacademy_प्रवीण सिंह, जहां मैं अपनी क्लासेस की लिंक भी सेंड करता हूं। यदि आप अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को डाउनलोड करते हैं तो उसके बेनिफिट्स जान लो क्या होते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे कई टॉप एजुकेटर की क्लासेस मिलती हैं, उनको ज्वाइन कर सकते हो। इन सब के साथ साथ में आपको मेरी जो स्पेशल क्लास होती है 11 PM पर रात को 11 बजे, ज्योग्राफी थ्रू MCQ, इससे भी आप ज्वाइन करें और यहाँ पर अपने प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हैं। इनके साथ यदि आप ज्योग्राफी ऑप्शनल के एस्पिरेंट्स हैं तो 3 PM पर, जो कल भी होगी मेरी क्लासेस, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये लर्निंग ऐप पे फ्री क्लासेस है, यहाँ पर रेफरल कोड प्रवीण यूज़ करके क्लास को अनलॉक कर सकते हो, जो नए बच्चे हैं उनके लिए। मॉडल्स इन थ्योरी टेक्सन में डिस्कस कर रहा हूँ, तो ये क्लास भी आप ज्वाइन कर सकते हो 3 PM पर, ठीक है। और यदि आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 1 मंथ टू 36 मंथ के लिए प्लस कोर्सेज अवेलेबल हैं, एंड आइकॉनिक कोर्सेज 12 मंथ टू 36 मंथ। इफ यू आप चाहो तो ऑप्शनल के लिए भी 1 मंथ टू 36 मंथ प्रवीण वन रेफरल कोर्स से आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं ऑप्शनल का भी, ठीक है। आपको सब्सक्रिप्शन लेने के लिए करना क्या है, लर्निंग ऐप सब्सक्रिप्शन पे जाओगे तो बेनिफिट्स ये हैं कि लाइव और इंटरेक्टिव ऑनलाइन सेशंस, कंप्लीट सिलेबस कवरेज, 1 सब्सक्रिप्शन, अनलिमिटेड एसेस, टेस्ट सीरीज, क्विजेज एंड डाउट सेशंस हैं। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए करना क्या, लर्निंग ऐप पे जाओ, यूज रेफरल कोड प्रवीण वन, देन गेट 10% ऑफ एंड माई पर्सनल मेंटरिंग ऑल्सो, ठीक है। इनके अलावा यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो प्लस कोर्सेज में इन द 12 मंथ 49,500 है, बट आफ्टर यूजिंग प्रवीण वन 44,550 रुपीज। 24 मंथ के लिए हमें पे करना है 72,000, प्रवीण वन कोड यूज करने के बाद पे करना है 64,800 रुपीज। 36 मंथ के लिए हम आते हैं तो पे करना है 90,000 रुपीज, प्रवीण वन कोड यूज करने के बाद पे करना है 81,000 रुपीज। आइकॉनिक कोर्सेज में 12 मंथ के लिए पे करना है 69,500, प्रवीण वन कोड यूज करने के बाद पे करना होता है 62,550 रुपीज। 24 मंथ के लिए पे करना 1,07,000, प्रवीण वन कोड यूज करने के बाद पे करोगे 96,300 रुपीज। एंड 36 मंथ के लिए आते हैं तो पे करते हो 1,41,000 रुपीज, प्रवीण वन कोड यूज करने के बाद पे करते हो 1,26,900 रुपीज। तो इन आइकॉनिक कोर्सेज देर आर मेरी बेनिफिट्स लाइक अ पर्सनल कोच, डेली मेन्स एंसर राइटिंग प्रैक्टिस, पर्सनल फीडबैक एटसेट्रा। तो इन आइकोनिक कोर्सेज एक्स्ट्रा फीचर्स, सो एक्स्ट्रा चार्जेस गाइज। आप न्यू ईयर रेजोल्यूशन की 2021, 2022 या 2023 में अपियर होना है तो कन्फर्म UPSC क्रैक करना है द बेस्ट एडुकेटर के शॉर्ट में अनअकैडमिक से जुड़ के, जहाँ पे कई बैचेस भी, इन बैचेस को ज्वाइन करके आप अपने प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हो, ठीक है। और यदि आप चाहें तो अनअकैडमी पर कम्बो पैक भी ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन में, जहाँ पर GS स्पेशल और ऑप्शनल के दोनों हैं, ये आपको प्लस और आइकॉनिक दोनों में अवेलेबल है, तो आप इन कॉम्बो को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ भी आप रेफरल कोड प्रवीण वन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो और साथ में एक चीज़ और, आइकॉनिक कोर्सेज की फ्रैक्स जो है वो हाइक होने वाली हैं, तो आपको यदि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना है तो बिफोर हाइक ऑफ प्राइस आप परचेस कर लो। और 3 PM पर मेरी ज्योग्राफी ऑप्शनल की क्लासेस हो रही हैं, जो फ्री क्लासेस है, फ्री फॉर ऑल है। आप इस क्लास को ज्वाइन किए लर्निंग ऐप पर 3 PM टाइमिंग में, जहां हम लोग डिस्कस करें मॉडल थ्योरी एंड लॉ द ह्यूमन ज्योग्राफी। इस क्लास को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर ज्योग्राफी ऑप्शनल पर्पस। ओके गाइस, अगेन वेलकम।
आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। जो मेरी क्लासेस की टाइमिंग है 5:30 PM, 7 PM, 11 PM और 9:30 PM द माई प्लस कोर्स टाइमिंग। तो गाइज जल्दी सभी लोग जुड़ जाओ ताकि हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट कर सके। तो यू ऑल गाइज आर रेडी फॉर दिस सेशन? यू ऑल आर रेडी? गिव अ थम्स अप गाइज ऑल ऑफ यू। Guys, you all are ready. Please, all are ready. Give a big thumbs up, all of you guys. Okay, let's start disaster and disaster management. इन द लास्ट क्लास मैंने डिस्कस किया था कि व्हाट सिलेबस ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट क्या हमें पढ़ना होता है। इन विच हमने डिस्कस किया था बेसिक टर्म्स एंड द कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द डिजास्टर्स, व्हाट इज द हजार्ड, व्हाट इज द वल्नरेबिलिटी एंड व्हाट इज द रिस्क एंड कैपेसिटी। तो डिजास्टर इज द नेचुरल मैनमेड फिनोमेना इन विच पॉसिबिलिटीज ऑफ लॉस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी एंड लाइवलीहुड, इट्स कॉल्ड द डिजास्टर्स। इफ possibilities of life loss of life, property and livelihoods found, which is called the hazard, it means hazard mein kya hota hai ki yahan par possibilities maintain hoti hai, it's called the hazard, ye humne discuss kiya tha. Vulnerability the factor who increase the possibilities of loss, jo loss ki possibilities badhati hai usi ko vulnerability bolte hain, kal discuss kiya tha. Capacity kya, it's a positive factor jo aapko kisi bhi communities ke andar लॉस की पॉसिबिलिटी को मिनिमाइज करता है और रिस्क को कैलकुलेट करते हैं हम लोग। हजार्ड प्लस वल्नरेबिलिटी अपॉन कैपेसिटी इक्वल टू रिस्क, इतना हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। एनी डाउट और एनी कंफ्यूजन गाइस? ऑल आर ओके कल तक क्लास तक? एनी डाउट और एनी कंफ्यूजन? नमस्कार मोहन, देखो अब हम लोग आज डिस्कस करेंगे इन दिस सेशन कि इंडिया के अंदर हजार्ड या डिजास्टर की कंडीशंस क्या है। इट मींस इंडिया का रिस्क प्रोफाइल, बेसिकली इंडिया का रिस्क प्रोफाइल बहुत टाइप्स है कि किस किस एरिया में क्या क्या कंडीशंस बन सकती है और कौन सा कितना किस तरीके के नेचुरल हजार्ड जो हैं इंडिया में बेसिकली देखने को मिलते हैं, इस क्लास में लोग डिस्कस करें। तो नाउ फर्स्ट, हजार्ड इन इंडिया और डिजास्टर इन इंडिया, रिस्क प्रोफाइल इन इंडिया, सिंपल वर्ड में इन द रिस्क प्रोफाइल, रिस्क प्रोफाइल आप देखोगे तो इन इंडिया मेनी नेचुरल एंड मैनमेड हजार्ड अकर विद अ डिफरेंट इंटेंसिटी। इन इंडिया आइएगा तो कई तरह के नेचुरल और मैनमेड हजार्ड आपको मिलेंगे, कई प्रकार के नेचुरल्स भी हैं मैनमेड भी हैं। तो इन विच 58.6% इज द अर्थक्वेक रीजंस, इट मींस इन इंडिया 58.6% लैंड रीजन इज अफेक्टेड बाई द नॉर्मल टू हाई इंटेंस अर्थक्वेक। इट मीन्स जो टोटल रीजन है हमारा, इनमें टोटल रीजन में अप्रॉक्स 58.6% अफेक्टेड बाई नॉर्मल टू हाई इंटेंस अर्थक्वेक। ठीक है, जितने भी रीजन्स हैं उनमें से करीब करीब यानी मोर देन 50% रीजन आर अफेक्टेड या प्रोन फॉर द अर्थक्वेक। नेक्स्ट पॉइंट है, इन इंडिया अप्रॉक्स 30 करोड़ पीपल अफेक्टेड बाय डिजास्टर ड्यूरिंग 2000 टू 2010 एंड लॉस ऑफ लाइफ 5000% एवरी ईयर्स। इट मीन सीधी में हम लोग बात करें लास्ट डिकेड की, द लास्ट डिकेड, लास्ट डिकेड मीन्स 2000 टू 2010, इस डिकेड में क्या हुआ, इन द लास्ट डिकेड अप्रॉक्स 30 करोड़ पीपल अफेक्टेड हुए हैं बाय डिफरेंट डिजास्टर्स। अप्रॉक्स 30 करोड़ अफेक्टेड हुए हैं, इन विच 5000 पर ईयर लॉस देयर लाइफ। इसमें करीब करीब 5000 देखोगे तो अपने लाइफ का भी लॉस हुआ इनमें से। इट मीन इंडिया में देखा जाए तो 58.6% रीजन द डिजास्टर प्रोन रीजन, अप्रॉक्स अर्थक्वेक प्रोन रीजन और डिजास्टर अफेक्टेड पीपल्स जो है अप्रॉक्स 30 करोड़ हैं, इन विच 5000% एवरी ईयर अपने लाइफ के भी लॉस कर चुके हैं।
ठीक है, समझ रहे इस चीज को? कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन किसी को गाइस? अब आप देखोगे क्या होता है कि करीब करीब यदि हम फ्लड की बात करते हैं, अप्रोक्स 14 मिलियन हेक्टेयर्स, 12% लैंड अफेक्टेड बाय द फ्लड। दिस फ्लड अफेक्टेड रीजन्स इन इंडिया अप्रोक्स 14 मिलियन हेक्टेयर, टोटल रीजन्स का अप्रोक्स 12% एरिया अफेक्टेड बाय द फ्लड, और इन विच 68% एग्रीकल्चरल लैंड ड्रॉट प्रोन एरियाज। इंडिया के देखोगे तो करीब करीब आपको 58.6% रीजन्स अर्थक्वेक प्रोन रीजन्स, अप्रोक्स 40 मिलियन हेक्टेयर लैंड फ्लड अफेक्टेड है, और टोटल एग्रीकल्चर लैंड का अप्रोक्स 68% एग्रीकल्चर लैंड आर ड्रॉट प्रोन रीजन्स। ये ड्रॉट प्रोन रीजन्स सूखा प्रभावित है 68% लैंड, ठीक है। इसके साथ साथ देखोगे तो अभी क्या हुआ कि इंडिया में रिस्क प्रोफाइल देखा जाए तो इंडिया के साथ हुआ ये चीज़ भी है कि जो अर्बनाइजेशन हो रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का इम्पैक्ट ये होगा कि पॉसिबिलिटीज ऑफ केमिकल, बायोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर रेडिएशंस डिजास्टर्स आर इंक्रीज ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। नो सर, डिसलाइक करने वाला बुड़बक अलगता है। सुपरमैन जाने दो, अवॉइड करो भाई, क्या करना है, किसी को पसंद नहीं आएगी क्लास तो कर नहीं सकते ना। देखो सिंपल समझो कि इंडिया के अंदर यदि देखोगे तो करीब करीब आपको 30 करोड़ पीपल्स अफेक्टेड होते हैं, इनमें से 5,000 अप्रोक्स इन एवरी ईयर्स लाइफ का लॉस्ट हुआ। अर्थक्वेक रीजन्स में देखा जाए तो 58.6% रीजन्स अफेक्टेड बाय डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ द अर्थ, लो टू हाई इंटेंस अर्थक्वेक। 40 मिलियन हेक्टेयर्स लैंड पार्ट अफेक्टेड बाय द फ्लड एंड 68% एरियाज प्रोन फॉर द ड्रॉट, सूखे से प्रभावित है एग्रीकल्चर लैंड का टोटल। इसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से आपको केमिकल्स, बायोलॉजिकल, न्यूक्लियर रेडिएशन की पॉसिबिलिटीज भी इंक्रीज हुई है, यानी ऐसे डिजास्टर की पॉसिबिलिटीज बढ़ गई है। साथ ही साथ में एक चीज और आप देखोगे, इंडिया और नेबरिंग कंट्रीज के साथ टेररिज्म, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ मैनमेड डिजास्टर, तो टेररिज्म जैसी घटना है ये भी रिसेंट ईयर्स में बढ़ी है। इंडिया के अंदर यदि देखा जाए तो आप ऑलमोस्ट नेचुरल मैनमेड डिजास्टर्स मिलेंगे आपको, अर्थक्वेक भी है, फ्लड भी है, ड्रॉट भी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से केमिकल्स और बायोलॉजिकल रेडिएशंस की, न्यूक्लियर रेडिएशंस की पॉसिबिलिटीज इंक्रीज हुई हैं। साथ साथ में आप देखोगे यहाँ पर इंडिया और नेबरिंग कंट्री में टेररिज्म जैसे डिजास्टर्स भी इंक्रीज हुए हैं इन द रिसेंट ईयर्स के अंदर, ठीक है। समझ रहे हैं यहाँ तक सभी लोग? कोई डाउट या कोई कन्फ्यूजन किसी को भी? यू ऑल गाइस आर ओके? अब देखो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं इंडिया के अंदर जो इसकी वल्नरेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, वल्नरेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो वल्नरेबिलिटी इंक्रीज करते हैं? यदि आप इनमें समझोगे वल्नरेबिलिटी इंक्रीज करने वाले में, तो सबसे इंपॉर्टेंट है लार्ज पॉपुलेशन। इंडिया के अंदर जो बड़ी जनसंख्या है, लार्ज पॉपुलेशन या बड़ी जनसंख्या जिसको बोलेंगे, इट्स अ मेजर फैक्टर या मेजर कलो वल्नरेबल फैक्टर है जो वल्नरेबिलिटी किसी भी डिजास्टर में लॉस की पॉसिबिलिटीज को इंक्रीज करता है। वल्नरेबिलिटी क्या होती है एक्चुअल में? लॉस की पॉसिबिलिटीज को शो करता है कि कितनी लॉस होगी। तो लार्ज पॉपुलेशन इट्स अ मेजर फैक्टर जो वल्नरेबिलिटी के लिए शो कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा यदि पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो इंडिया का मैक्सिमम रीजन, खासतौर से गैंगेटिक प्लेन बेल्ट जो है, गैंगेटिक प्लेन का बेल्ट है, वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी तो वेरी हाई, और हाई पॉपुलेशन डेंसिटी इज द ऑल्सो वल्नरेबिलिटी इन इंडिया। ये भी आपको इंडिया के अंदर वल्नरेबिलिटी को शो करता है, ठीक है। इनके अलावा इंडिया के अंदर आप देखोगे तो मैक्सिमम ही देखोगे इंडिया मैक्सिमम अर्बनाइजेशन अनप्लान्ड है, लैक ऑफ प्लानिंग। इट मीन जितने भी आप सिटी, अब देखो लैक ऑफ प्लानिंग का एक इम्पैक्ट ये होता है कि अर्बनाइजेशन अनप्लान्ड होने का एक इम्पैक्ट होगा कि जो अर्बन फ्लड की पॉसिबिलिटीज है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो पॉसिबिलिटीज ऑफ अर्बन फ्लड इंक्रीज हो जाती है। इट मीन वल्नरेबिलिटी इन इंडिया हम बात करें तो लार्ज पॉपुलेशन, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन और लैक ऑफ प्लानिंग इन अर्बनाइजेशन,
इनके साथ साथ जब हम लोग हाउसिंग सोसाइटी डेवलप करते हैं तो लैक ऑफ क्वालिटी बिल्डिंग मटेरियल्स, जो बिल्डिंग मटेरियल्स यूज़ करते हैं उनमें क्वालिटी जो होती है वो बहुत ही पुअर क्वालिटी है। देखते हो ना, जैसे कई भी हाउसिंग सोसाइटी वगैरह बनती हैं तो उसमें बहुत लोग, अब मान लो पुअर क्वालिटी बिल्डिंग मटेरियल्स है, अर्थक्वेक प्रोन रीजन्स है, तो लो इंटेंस अर्थक्वेक में भी लॉस की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये भी आपके एक प्रकार की वल्नरेबिलिटी बन जाती है। इन द लो इंटेंस अर्थक्वेक इंक्रीज द वल्नरेबिलिटी पॉसिबिलिटीज। ठीक है, इसके अलावा लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो अवसंरचना है इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी कम है। मेनी एरिया लो क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर लो होने के कारण भी वल्नरेबिलिटी हाई है। पॉवर्टी इज द मेजर फैक्टर, गरीबी भी एक प्रमुख कारण है वल्नरेबिलिटी का, पॉवर्टी इज ऑल्सो द मेजर फैक्टर। इनके अलावा लैक ऑफ अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग फॉर द डिजीज एंड द हैजार्ड, मैक्सिमम लोगों को देखोगे तो हैजार्ड्स को लेकर के अवेयरनेस की कमी होती है, ट्रेनिंग की कमी होती है, लैक ऑफ ट्रेंड फोर्सेज। इसके अलावा लैक ऑफ ट्रेंड फोर्सेज, इंडिया में ट्रेंड फोर्सेज की भी कमी है। इट मीन्स यस यस, शमशान का जो लेंटर गिरा था दिल्ली के पास में ही गाजियाबाद के अंदर सुपरमैन, वो कहीं ना कहीं ऐसी ही चीज़ें हैं कि मैनमेड कह सकते हो वो, कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारा या हम लोग जो क्वालिटी बिल्डिंग मटेरियल्स यूज़ करते हैं वो होते नहीं है, उसी का रिजल्ट होता ही है। यदि वल्नरेबिलिटी क्या है इंडिया में के अंदर, क्यों जब भी डिजास्टर्स होते हैं या हैजार्ड्स होते हैं तो लॉस अधिक क्यों होती है, इसमें मुझे कई रीजन्स हैं। एक तो पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, लार्ज पॉपुलेशंस, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, लैक ऑफ प्लानिंग इन मैक्सिमम अर्बनाइजेशन जो है लैक ऑफ प्लानिंग है, लैक ऑफ क्वांटिटी या क्वालिटी बिल्डिंग मटेरियल्स की कमी है। इनके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर्स, वेरी लो क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर्स, लैक ऑफ अवेयरनेस अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग की कमी है, लोगों के अंदर जानकारी की कमी है, और ट्रेंड फोर्सेस भी हमारे पास कंपेरेटिवली कम हैं जो लॉस को कम कर सके। आरिसा जो है इंडिया में वल्नरेबिलिटी क्यों अधिक है, वाई इंडिया मोर वल्नरेबल एज कंपेयर टू द अदर नेशन, तो इसके पीछे रीजन पॉपुलेशंस, पॉपुलेशन डेंसिटी, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, बैड क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग मटेरियल्स, पॉपुलेशंस का फायदा है सुपरमैन, बट पॉपुलेशन का फायदा तब है ना कि जब एक्सेस ना हो, इट देर इज एक्सेस पॉपुलेशन। तो इट्स अब मान सपोज किसी रीजन में अर्थक्वेक होते हैं, समझो इस वजह से, और अर्थक्वेक हो रहे हैं वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो ऑब्वियस बिल्डिंग्स कोलैप्स करें, इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स करें, तो लॉस होने की पॉसिबिलिटी अधिक हो जाएगी। अदर यदि पॉपुलेशन कम हो तो लॉस की पॉसिबिलिटी वहाँ पे कम रहेगी। ठीक है, यस एसएससी कैप्सूल्स, पॉवर्टी द ऑल्सो द मेजर फैक्टर टू इंक्रीज द वल्नरेबिलिटी इन इंडिया, इज ऑल्सो द मेजर फैक्टर पॉवर्टी, बट नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द डिजास्टर सेक्शन, सो इट इकोनॉमिकल बेनिफिट से बाहर आते हैं सुपरमैन, इट्स अ डिजास्टर पार्ट, और पॉपुलेशन, लार्ज पॉपुलेशन इज द वल्नरेबिलिटी इन इंडिया, कहीं पे भी होगा तो आपको ये वल्नरेबिलिटी ही होगा। जब इसमें देखो ना, ये कोविड का टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में यदि पॉपुलेशन डेंसिटी कम होती है, पॉपुलेशन कम होता तो थोड़ी सी लॉस होने की पॉसिबिलिटीज भी कम हो सकती है। वल्नरेबिलिटी को हिंदी में कहते हैं संवेदनशीलता, असुरक्षा, संवेदनशीलता बोलते हैं उसको, प्रकोप, प्रकोप बोलते हैं हैजार्ड को, इसको संवेदनशीलता बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ, एनी डाउट और एनी कंफ्यूजन गाइस? देखो अभी तक हमने डिस्कस किया कि इंडिया के अंदर हैजार्ड की कंडीशंस कैसी है, इंडिया में वल्नरेबिलिटी क्या है, अब हम लोग रीजनल बेसिस पर समझेंगे, रीजनल बेसिस पर कि इंडिया का कौन सा रीजन किस प्रकार के डिजास्टर के लिए प्रोन होगा। अक्सर क्वेश्चंस पूछ लेता है यूपीएससी ने, इस पे क्वेश्चन भी पूछ रखा हुआ कि किस पार्ट में जाओगे तो कैसे डिजास्टर्स की पॉसिबिलिटीज है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या मैनेज करना है। जैसे मान लीजिए हिमालय रीजन है, तो इन द हिमालय रीजन कौन से डिजास्टर्स हो सकते हैं, इन द गंगेटिक प्लेन रीजन में कौन सी पॉसिबिलिटीज होगी, और सदर इंडिया में जाओ, ईस्टर्न कोस्ट पर जाओगे तो कौन से डिजास्टर। अब मान लीजिए ईस्टर्न कोस्ट की हम बात करते हैं, ईस्टर्न कोस्ट पर साइक्लोन की कंडीशन बनी होगी, बट ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया जो है अर्थक्वेक की पॉसिबिलिटीज नहीं है। जब इसी तरह से देखा जाए इन द हिमालय रीजन अर्थक्वेक है बट साइक्लोन की पॉसिबिलिटीज नेग्लेजेबल्स होंगे। ठीक है, तो हम लोग रीजनल बेसिस पर यानी एरिया बाय डिजास्टर की कंडीशंस को समझते हैं कि किस रीजन्स में कैसे होंगे, यानी हैजार्ड इन द रीजनल लैंड पार्ट पे यानी एरिया वाइज। अब इसको पॉइंट वाइज समझते चले हर एरिया से। सबसे पहले आते हैं हिमालय रीजन।
इन द हिमालयन रीजन्स हाई पॉसिबिलिटीज ऑफ अर्थक्वेक ड्यू टू कोलिजन ऑफ इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट। यदि हम हिमालयन रीजन्स की बात करें तो इन द हिमालयन रीजन देर इज अ वेरी वेरी हाई पॉसिबिलिटीज ऑफ अर्थक्वेक। वाई? बिकॉज इन दिस रीजन्स इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट बोथ आर कोलाइड्स और ड्यू टू कोलिजन ऑफ द इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट इन दिस रीजन पॉसिबिलिटीज ऑफ अर्थक्वेक इज वेरी हाई। इट मीन्स वी कैन से इन द हिमालयन रीजन्स अर्थक्वेक पॉसिबिलिटी इज द वेरी हाई एज कम्पेयर टू द अदर रीजन ड्यू टू कोलिजन ऑफ इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट। इट मीन्स हिमालयन रीजन इज प्रोन फॉर द अर्थक्वेक लो टू हाई इंटेंस अर्थक्वेक। नाउ इट इज क्लियर। अब देखो इसी हिमालय रीजन में आप आइएगा तो इन द हिमालय रीजन ऑल्सो अवलांसेस, अवलांसेस जिसको हम लोग हिंदी में हिमस्खलन कहते हैं एंड लैंडस्लाइड्स। इट मीन्स पॉसिबिलिटीज ऑफ अवलांसेस इज कंपेरेटिवली हाई किस पार्ट में होगा। अब देखो सिंपल समझो अवलांसेस कहाँ होंगे जो माउंटेन रीजन होंगे वो भी किस माउंटेन रीजन में हाई अल्टीट्यूड माउंटेन रीजन। इट मीन्स हिमालय की हम बात करें तो ग्रेट हिमालय मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय है। ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय में अवलांसेस की पॉसिबिलिटी होगी क्योंकि शिवालिक जो है लोअर पार्ट पर है उसकी हाइट कंपेरेटिवली कम है और कंपेरेटिवली हाइट कम होने का था आइस फॉर्मेशन नहीं होगा तो अवलांसेस भी नहीं होंगे। इट मीन्स पॉसिबिलिटीज ऑफ अवलांसेज इज वेरी हाई एट द अपर पार्ट ऑफ हिमालय, अपर पार्ट ऑफ हिमालय एंड मिडल पार्ट ऑफ हिमालय, मिडल पार्ट ऑफ हिमालय एट बोथ साइड यानी बोथ पार्ट पॉसिबिलिटीज ऑफ अवलांसेज इज वेरी हाई। हिमस्खलन की जो संभावना है हिमालय के ऊपरी भागों में और मध्य भागों में अधिक होगी जबकि लोअर पार्ट ऑफ हिमालय में लैंडस्लाइड की पॉसिबिलिटीज होगी, लैंडस्लाइड। ठीक है? यस यस, इन द शिवालिक रीजन देयर इज अ लैंडस्लाइड पॉसिबिलिटीज होगी। देखो लैंडस्लाइड पॉसिबिलिटीज आर द कंपेरेटिवली हाई इन द लोअर हिमालयन रीजन्स, लोअर हिमालयन रीजन में लैंडस्लाइड की पॉसिबिलिटीज हाई होगी एज कंपेयर टू द अपर एंड मिडिल हिमालय। समझ रहे इसको? इट मीन्स हिमालय की हम बात करते हैं हिमालय रीजन अर्थक्वेक अवलांसेज एंड लैंडस्लाइड। अवलांसेज होंगे अपर पार्ट एंड द मिडिल पार्ट ऑफ हिमालय, लोअर पार्ट में लैंडस्लाइड होंगे। बट क्लाइमेटिक कंडीशन के चेंज होने के कारण इट मीन द ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है आइस की मेल्टिंग की पॉसिबिलिटीज बढ़ रही है और मेल्टिंग ऑफ आइस जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ लैंडस्लाइड सॉरी फ्रीक्वेंसी ऑफ अवलांसेज उसको इंक्रीज करेगा। इट मीन्स यदि रिसेंट ऐसा ही चलता रहा तो इन फ्यूचर्स फ्रीक्वेंसी ऑफ लैंड अवलांसेज आर इंक्रीज एट हिमालयन रीजन्स, हिमालय के क्षेत्रों में हिमस्खलन की संभावनाएं बढ़ जाएगी ड्यू टू चेंज ऑफ क्लाइमेट। क्लाइमेट चेंज की वजह से आपको इन फ्यूचर पॉसिबिलिटीज ऑफ अवलांसेज ऑल्सो इंक्रीज ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। नाउ इट इज क्लियर गाइज, समझ में आया यहां तक? अब देखो ये इसी ना हिमालयन रीजन्स में रिसेंट टाइम पीरियड में कई लैंडस्लाइड्स आपको मिलेंगे बट इन लैंडस्लाइड का बहुत बड़ा कॉज जो है वो क्लाउड ब्रस्ट भी है। इट मीन ड्यू टू क्लाउड ब्रस्ट आपको जिसको हम लोग बादल फटने की घटना कहते हैं तो ड्यू टू क्लाउड ब्रस्ट से फ्रीक्वेंसी ऑफ द लैंडस्लाइड इंक्रीज हुई है इन द रिसेंट टाइम पीरियड, इन द रिसेंट ईयर्स हिमालय रीजन के अंदर। हिमालय रीजन्स में जो आपको लैंडस्लाइड्स हो रही हैं अदर पार्ट में भी मान लो वेस्टर्न घाट में भी लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं तो उस लैंडस्लाइड्स में बहुत बड़ा कारण रोल प्ले करता है क्लाउड ब्रस्ट। जैसे आपने देखा होगा या पढ़ा होगा या सुना होगा केदारनाथ में जो 2013 के अंदर लैंडस्लाइड हुआ था उसमें क्या हुआ, पहले क्लाउड ब्रस्ट हुआ उसी क्लाउड ब्रस्ट के बाद यानी एक डिजास्टर से दूसरे डिजास्टर का फॉर्मेशन हुआ। क्लाउड ब्रस्ट ऑल्सो द डिजास्टर, कभी कभी ना एक डिजास्टर के साथ मल्टीपल डिजास्टर फॉर्म्ड हो जाते हैं। क्लाउड ब्रस्ट की वजह से क्या हुआ, लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड से रिवर वाटर ब्लॉक होना, फ्लड की कंडीशन भी आ गई। यानी क्लाउड ब्रस्ट भी एक डिजास्टर, लैंडस्लाइड भी और फ्लड भी, एक ही साथ कई डिजास्टर्स हो गए। हमारी बात समझ में कि ऐसी चीजें भी होती हैं। इज दैट क्लियर गाइस? यू ऑल आर ओके, यू ऑल आर ओके, देन गिव अ बिग थम्स अप ऑल ऑफ यू गाइस, ऑल आर ओके, प्लीज गिव अ बिग थम्स अप गाइस ऑल ऑफ यू।
अब देखो क्या होता है, जैसे हाँ जी सर, लेक का नाम बोल गए, चोराबारी, इट्स अ चोराबारी लेक, चोराबारी है, वहाँ पे एक ग्लेशियर है चोराबारी, और इसी ग्लेशियर से आपको रिवर भी मंदाकिनी ओरिजिनेट होती है, वही लेक भी है चोराबारी लेक। ठीक है, चलो ये तो बाद में जब हम लोग पढ़ेंगे लैंडस्लाइड क्लाउड बर्स्ट तो वहाँ पे डिस्कस भी करेंगे एग्जाम्पल्स को। अब देखो समझना, यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण क्या हो रहा है कि मार्च टू जून का जो टाइम पीरियड है इन इंडिया, इट्स अ ड्राई सीजन्स, और ड्यू टू इंक्रीज ऑफ ड्राइनेस पॉसिबिलिटी ऑफ फॉरेस्ट फायर इज इंक्रीज इन द हिमालयन रीजन। यानी हो ये रहा है कि मार्च टू जून के टाइम पीरियड में ड्राइनेस की वजह से जंगल में जो आग, जिसको हिंदी में हम लोग दवा नल भी बोलते हैं, फॉरेस्ट फायर को हिंदी में दवा नल भी कहा जाता है, तो हिमालयन रीजन में फॉरेस्ट फायर की पॉसिबिलिटी इंक्रीज हुई है। 2006 में, सॉरी 2016 के अंदर क्या हुआ था कि आपको हिमालयन बेल्ट में आप जाओगे उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में, तो फॉरेस्ट फायर्स हुए थे, फॉरेस्ट फायर। ठीक है, 2016 में, लास्ट 20 इयर्स के अंदर मोर डिस्ट्रक्टिव फॉरेस्ट फायर था 2016 का। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ड्राइनेस इंक्रीज हो रही है, ड्राइनेस क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होने की वजह से, और इसी वजह से हिमालय रीजन में फॉरेस्ट फायर की पॉसिबिलिटीज भी बढ़ी है। जून, फेब टू जून ड्राइनेस ऑफ द वेदर इन हिमालय रीजन इंक्रीज द फॉरेस्ट फायर कंडीशंस। फॉरेस्ट फायर इन 2016 मोर डिस्ट्रक्टिव इन लास्ट 20 ईयर्स, लास्ट 20 ईयर्स का मोर डिस्ट्रक्टिव फॉरेस्ट फायर था। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबका? अब देखो क्या होता है, जो हिमालयन रिवर्स है ना, तो हिमालयन रिवर्स में क्या होता है कि इन द समर मंथ ग्लेशियर्स मेल्ट होती है, वाटर लेवल इंक्रीज होता है, साथ में साउथ वेस्ट मानसून का टाइम होता है। इसी वजह से जो गंगेटिक प्लेन रीजन है, यदि हम हिमालय रीजन से बाहर आ जाए, तो हिमालय रीजन में क्या हो रहा है, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, एवलांसेस एंड फॉरेस्ट फायर्स, क्लाउड ब्रस्ट, ये सारे फेनोमेना आपको हिमालय रीजन में मिलेंगे। इट मीन यदि हम इंडिया में जब रीजनल कंडीशन पर हजार्ड या डिजास्टर को एक्सप्लेन कर रहे होंगे, तो हिमालय रीजन में याद रखना अर्थक्वेक भी है, लैंडस्लाइड्स भी है, अवलांसेज भी हैं, फॉरेस्ट फायर्स भी हैं, क्लाउड ब्रस्ट भी हैं, ऐसे सारे फेनोमेना हिमालय से रिलेटेड हैं। जब यही हिमालयन रिवर्स जो है, हिमालय रीजन की रिवर्स गंगेटिक प्लेन रीजन में इंटर करती है, तो फ्लड का कॉज बन जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि गंगा प्लेन रीजन आर प्रोन फॉर द फ्लड, गंगेटिक प्लेन रीजन आर प्रोन फॉर फ्लड, बाढ़ के लिए संभावित क्षेत्र है। साथ साथ में यदि आप जाओगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, तो आसाम रीजन वेयर ब्रह्मपुत्र रिवर्स, तो यदि गंगेटिक प्लेन की हम बात करें, तो गंगेटिक प्लेन रीजन फ्लड के लिए प्रोन है, और इन द असम, इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया ऑल्सो, असम इज ऑल्सो फ्लड अफेक्टेड एरियाज, इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया असम इज ऑल्सो फ्लड अफेक्टेड रीजन। एंड गंगा प्लेन रिवर्स, गंगा रिवर प्लेन ऑल्सो अर्थक्वेक प्रोन रीजन। इट मीन्स गंगा रीजन की हम बात करें, तो गंगा रीजन में फ्लड के साथ साथ में यहाँ पे अर्थक्वेक की भी पॉसिबिलिटीज बनी रहती है। थैंक यू सुपरमैन फॉर योर काइंड वर्ड। अब देखो समझना, यहाँ पर तो अब समझो, ये रीजन आपका हिमालय रीजन हुआ, उसी से रिलेटेड एक गंगेटिक प्लेन रीजन है। यहाँ पर क्या हो रहा है, इन दिस रीजन फ्लड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया असम ऑल्सो इज द फ्लड प्रोन, देख लो रेड कलर से ये फ्लड प्रोन रीजन को शो कर रहा है। सिंपल, देखो गैंगेटिक प्लेन रीजन में आपको अर्थक्वेक भी होंगे फ्लड के साथ साथ में। एक चीज यहीं पे आप समझ लेना, गैंगेटिक प्लेन रीजन इट मीन्स सेडिमेंटरी रॉक स्ट्रक्चर, और सेडिमेंटरी रॉक स्ट्रक्चर साथ में मार्सी रीजन, तराई रीजन है, मार्सी रीजन भी है, जो सरफेस है ना वेट है, कैसा सरफेस है, वेट सरफेस है। अर्थक्वेक होंगे, ध्यान समझिए, यहां पर इन द गंगेटिक प्लेन रीजन की मैं बात कर रहा हूं, समझ लीजिएगा, जिस समय यहां पे अर्थक्वेक होगा, तो वेट सरफेस होने की वजह से
इंफ्रास्ट्रक्चर की लॉस की पॉसिबिलिटीज इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सरफेस वेट है तो इजिली जो है बिल्डिंग्स वगैरह को लॉस होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए गंगेटिक प्लेन रीजन में लो इंटेंस अर्थक्वेक से भी लॉस अधिक हो सकता है। पॉपुलेशन डेंसिटी भी हाई है यहाँ पर, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, ज्योग्राफिकली वेट सर्फेस है, और वेट सर्फेस होने की वजह से क्या होता है कि जब भी अर्थक्वेक जैसी एक्टिविटीज होती हैं या घटनाएं होती हैं तो लॉस की संभावना इंक्रीज हो जाती है। आई बात समझ में? इसके अलावा देखोगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी अर्थक्वेक प्रोन रीजन्स होगा और लैंडस्लाइड रीजन्स भी होगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी आपको हिमालयन रीजन्स ही हैं, यहाँ भी आपको लैंडस्लाइड अर्थक्वेक दोनों मिलेंगे। तो अभी तक हमने रीजनल बेसिस पर डिस्कस किया तो गंगेटिक प्लेन रीजन्स और हिमालयन रीजन तक आया। अब हम आते हैं मिडिल इंडिया, सेंट्रल इंडिया में, सेंट्रल इंडिया का पार्ट करो। सेंट्रल इंडिया और जिसके अंदर आपको नॉर्थ वेस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया का पार्ट आते हैं, ये पार्ट हीट वेव और ड्रॉट प्रोन है। याद रखना जो सेंट्रल इंडिया का पार्ट है हीट वेव एंड ड्रॉट प्रोन रीजन्स। अफेक्टेड स्टेट में राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये सारे रीजन्स कैसे हैं? हीट वेव, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लू बोलते हैं गर्मियों के मौसम में। इसके अलावा ड्रॉट, सूखा भी है यहाँ पर इन्हीं रीजन्स में। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि गंगेटिक प्लेन फ्लड प्रोन रीजन है, अर्थक्वेक प्रोन रीजन है, जबकि सेंट्रल इंडिया हीट वेव एंड ड्रॉट प्रोन रीजन है, लू और सूखे के लिए जानी जाती है। ठीक है, समझ में आया यहां तक? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन किसी को भी, फटाफट बताओ जल्दी से। अब देखो इंडिया का ईस्टर्न कोस्ट ये है, ध्यान रखना। हिमालय रीजन भी डिस्कस किया हमने, गैंगेटिक प्लेन रीजन भी और सेंट्रल इंडिया भी डिस्कस किया। अब आते हैं ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। ईस्टर्न कोस्ट प्रोन फॉर साइक्लोन एंड सुनामी आल्सो एज कंपेयर टू द वेस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट आर मोर प्रोन फॉर साइक्लोन एंड सुनामी। देखो वेस्टर्न कोस्ट जो है ना, यहाँ पर सुनामी की संभावना नेग्लिजिबल से। अब जब हम लोग साइक्लोन में सुनामी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कैसा क्यों होता है, बस अभी इतना समझो कि इंडिया का जो ईस्टर्न कोस्ट है ये आपको साइक्लोन और सुनामी के लिए प्रोन है। तो पॉसिबिलिटी जो साइक्लोन और सुनामी जो होगी ईस्टर्न कोस्ट के साथ होगी। नाउ गाइज इट इज क्लियर। बाकी जब मैं साइक्लोन और सुनामी आपको डिस्कस करूंगा ना इसी डिजास्टर वाली क्लास के अंदर ही, साइक्लोन भी और सुनामी भी, ज्योग्राफी नहीं, डिजास्टर सेक्शन में साइक्लोन और सुनामी हम लोग डिस्कस करेंगे। ज्योग्राफी में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, वहाँ पे अलग अप्रोच होगा, यहाँ पे अप्रोच डिफरेंट होगा। तो मैं बताऊंगा कि उसमें सुनामी इस रीजन में क्यों यहाँ नहीं, साइक्लोन इस रीजन में क्यों यहाँ पे नहीं, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट आने वाली क्लासेस में आप बने रहोगे मेरे साथ। तो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया वल्नरेबल फॉर साइक्लोन्स एंड सुनामी, एग्जाम्पल 2004 सुनामी, मोर प्रोन है फॉर साइक्लोन एंड सुनामी। एक छोटा सा चीज और समझे हम लोग, इट्स अ वेस्टर्न कोस्ट, देयर इज अ माउंटेन विच इज कॉल्ड द वेस्टर्न घाट, इट्स अ वेस्टर्न घाट और साउथ वेस्ट मॉनसून का ये डायरेक्शन है, इट्स अ डायरेक्शन ऑफ द साउथ वेस्ट मॉनसून। ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन वेस्टर्न कोस्ट रिसीव्ड हेवी रेनफॉल As compared to the eastern coast received heavy rainfall during the southwest monsoon season. It was southwest monsoon समय में पश्चिमी तटों पर अत्यधिक वर्षा होती है as compared to the eastern coast. अब यदि जैसे ही आपको heavy rainfall होगी, it's increase the possibilities of landslide. It means the western घाट वाले region में आप जाओगे तो western घाट prone for लैंडस्लाइड ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन। साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन में आप आइएगा तो वेस्टर्न घाट जो है वो हैवी रेनफॉल रिसीव करता है और यहां पर लैंडस्लाइड की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएगी। ठीक है, इट मीन्स इंडिया के रीजनल कंडीशन को सिंपल समझो तो हिमालय रीजन में, मैंने फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं सारी चीजों को, इन हिमालय रीजन अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स, अवलांसेस, क्लाउड ब्रस्ट,
In the Gangetic Plain region, earthquake and flood. Northeast India, landslide, earthquake and flood. Flood basically in the Assam regions. Central India part, heat wave and drought. In the eastern coast, cyclone and tsunami. In the western coast, excess of rainfall. Or excess of rainfall increase the possibilities of landslide the western ghat regions. Okay. Now guys, it is clear. तो मेन लैंड पर इंडिया के मेन पार्ट पर हमने डिस्कस किया कि इंडिया का जो मेन लैंड एरिया है उस लैंड रीजन्स में किस रीजन्स में कौन कौन से डिजास्टर्स हो सकते हैं या कौन कौन से हजार्ड हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन किसी का भी, जल्दी से रिप्लाई करो एनी डाउट और एनी कन्फ्यूजन। और समझ में आया तो लाइक और शेयर भी किया करो क्लास को। Guys, okay, you all are okay? शुभम कुमार, नो सर। मतलब आप देखो इंडिया में लैंड मेन रीजन को समझो, इंडिया में आइलैंड्स भी हैं, अंडमान एंड निकोबार। यदि मैं मैप में देखो इंडिया का, देखो यहाँ पर, तो इन इंडिया एक आइलैंड ग्रुप है बे ऑफ बंगाल में, इट्स कॉल्ड द अंडमान एंड निकोबार एंड द लक्षद्वीप इन द अरबियन सी लक्षद्वीप। तो अब अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को समझो कि यहाँ पे कैसे डिजास्टर्स हो सकते हैं। तो अंडमान निकोबार बेसिकली प्रोन फॉर द अर्थक्वेक। मैं अभी अंडमान निकोबार की बात कर रहा हूँ। अर्थक्वेक क्यों? क्योंकि प्लेट मार्जिन्स पे है ये। इसके साथ साथ सुनामी, आफ्टर अर्थक्वेक सुनामी की भी पॉसिबिलिटीज होगी। एंड इन अंडमान निकोबार, देखो इंडिया में वोल्केनो नहीं है बट बैरन आइलैंड क्या है ये? एक्टिव वोल्केनो। इट मीन्स कहा जा सकता है कि अंडमान निकोबार अर्थक्वेक सुनामी और वोल्केनिज्म के लिए प्रोन होगा। गुड इवनिंग मधु, बट बहुत लेट क्लास ज्वाइन कर रहे हो। तो अंडमान निकोबार प्रोन फॉर द अर्थक्वेक सुनामी एंड द वोल्केनो। ठीक है, अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप इज मोर वल्नरेबल फॉर द अर्थक्वेक इन दिस आइलैंड ग्रुप टू वोल्केनो, नारकोंडम एंड बैरन, इन विच बैरन इज द एक्टिव वोल्केनो। According to geologist, Barren Island is the active volcano. ठीक है, समझ में आया कि अंडमान निकोबार में क्या कंडीशन हो सकती है। अब आते हैं लक्षद्वीप, यहां पे क्या होगा समझना है यहां पर ध्यान से। लक्षद्वीप इज द एग्जाम्पल ऑफ कोरल आइलैंड। कोरल क्या है? सी एनिमल्स होते हैं बेसिकली, इट्स अ सी एनिमल्स। पानी में रहने वाले होते हैं। इट इज वेरी क्लोज टू द सी वाटर लेवल। ये कोरल आइलैंड्स होते हैं, इट्स वेरी क्लोज टू द सी वाटर लेवल। समुद्र जल स्तर के बराबर ही होते हैं ये लगभग। इट मीन्स ऐसा हुआ कि यदि मान लो सी लेवल जैसे भी बढ़ेगा, मान लो ये आइलैंड्स हैं और सी लेवल की इक्विवेलेंट है ऐसे, जैसे ना इसको ऐसे समझिएगा, देयर इज अ आइलैंड, इट्स अ कोरल आइलैंड, सपोज इट्स अ कोरल आइलैंड और इट्स अ सी लेवल। ठीक है, ओशंस के अंदर है। मान लो सपोज सी लेवल इंक्रीज हो जाए ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो रहा है। क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होने का अर्थ हुआ ग्लेशियर मेल्ट होंगे, ग्लेशियर मेल्ट होने से सी लेवल इंक्रीज होंगे। सोचो जो सी लेवल के बहुत क्लोज है वो थोड़ा सा भी सी लेवल बढ़ेगा तो तुरंत वाटर में सबमर्ज हो जाएंगे। क्या होंगे ये? आपको सबमर्ज होंगे। इट मीन्स ये कहा जा सकता है कि वाटर सबमर्जेंस की पॉसिबिलिटी द वेरी हाई है लक्षद्वीप की। अदर रीजन के कंपेयर में देखोगे तो लक्षद्वीप जो है अंडमान निकोबार के कंपेयर में सबमर्जेंस की पॉसिबिलिटी हाई है। क्यों? क्योंकि लक्षद्वीप कोरल आइलैंड्स हैं और कोरल आइलैंड सी लेवल के इक्विवेलेंट है। जैसे सी लेवल इंक्रीज होंगी थोड़ी सी भी बढ़ी देन
समर्ज, इसमें कह सकते हो कि कोस्टल एरियाज के साथ साथ में लक्षद्वीप के समर्जेंस की पॉसिबिलिटीज हाई होगी, इंक्रीज ऑफ सी वाटर लेवल। यानी हम कहा जा सकता है कि लक्षद्वीप प्रोन फॉर द सबमर्जेंस, लक्षद्वीप जो है सबमर्जेंस के प्रति संवेदनशील है। पॉसिबिलिटी जो सबमर्जेंस ऑफ लक्षद्वीप इज कंपेरेटिवली हाई ड्यू टू इंक्रीज ऑफ सी वाटर लेवल बाय क्लाइमेट चेंज। क्यों? बिकॉज इट द कोरल रीफ। आई बात समझ में? इट मीन हम ये कह सकते हैं कि लक्षद्वीप के सबमर्जेंस की पॉसिबिलिटीज हाई है एज कंपेयर टू द अदर आइलैंड बिकॉज इट्स अ कोरल आइलैंड। नाउ गाइज इट इज क्लियर? फटाफट जल्दी से बताओ सभी लोग। गुड इवनिंग तृप्ति पॉल। गाइज यू ऑल आर ओके? रिप्लाई तो कर दो यार कम से कम। एक यदि समझ में आया ना तो एक थम्स अप दे दिया करो। ऑल गाइज गिव अ बिग थम्स अप ऑल ऑफ यू। इफ यू ऑल आर ओके गिव अ बिग थम्स अप ऑल ऑफ यू। ओके ओके ओके। तो इंडिया के कौन सा रीजन कैसे डिजास्टर के लिए प्रोन होगा समझ में आ गया? मैंने सारे रीजन समझा दिए, हिमालय रीजन से लेकर के हिमालयन रीजन्स, गैंगेटिक प्लेन रीजन्स, सेंट्रल इंडिया रीजन, ईस्ट कोस्टल प्लेन, वेस्ट कोस्टल प्लेन, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप, सभी पार्ट को मैंने डिस्कस किया कि कहां पर कैसे डिजास्टर्स आ सकते हैं। तो जैसे कल हमने डिस्कस किया था बेसिक कॉन्सेप्ट टर्म्स को, आज हमने इंडिया का रिस्क प्रोफाइल समझा कि किस रीजन में कौन सी चीज आ सकती है। इंडिया का रिस्क प्रोफाइल समझ रहे हो ना, रिस्क प्रोफाइल कि किस रीजन में कैसे डिजास्टर्स हो सकते हैं, इसको हमने डिस्कस किया इन दिस क्लास। इट्स अ रिस्क प्रोफाइल ऑफ इंडिया। ठीक है, आज का जो सेशन है हमारा यहीं तक है। देखो आप यदि 11 PM पर आओगे, एक स्पेशल क्लास मेरी होती है लर्निंग ऐप पर 11 PM पर, इस क्लास को आप ज्वाइन करते हो 11 PM वाली क्लास को, वहाँ पे ज्योग्राफी थ्रू MCQ सीरीज करा रहा हूँ लर्निंग ऐप पर है, इसको भी आप लोग अटेंड किया कीजिए 11 PM वाली क्लास को। और जितने लोगों ने मुझे अभी फॉलो नहीं किया है अनअकैडमी के प्रोफाइल को, वो भी फॉलो कर लें, जिससे मेरी क्लासेस की अपडेट भी मिलती रहेगी। देन आप में से यदि किसी का ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो 3 PM पे भी मेरी एक स्पेशल क्लास होती है ज्योग्राफी ऑप्शनल के पर्पज से, ये क्लास भी मैं लेता हूँ लर्निंग ऐप पर ही, तो इस क्लास को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और यदि आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस लेते हैं तो आप रेफरल कोड प्रवीण यूज करोगे तो देखो इसका बेनिफिट्स क्या होगा कि आपका 10% ऑफ मिलने के साथ आपको मेरी पर्सनल मेंटरिंग भी मिलेगी GS पेपर 1 पेपर 3 के साथ, ज्योग्राफी भी ऑप्शनल में भी, और साथ में मैं आपको PDF भी प्रोवाइड कराया करूंगा इन मैटर्स के इनके। ठीक है गाइज, तो चलो फिर मिलते हैं हम लोग। और टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए मुझसे आप unacademy_PravinSingh मेरा टेलीग्राम लिंक है, आप मुझे यहाँ पे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग फिर 11 PM पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। ओके, बाय ऑल ऑफ यू गाइज। टेक केयर।